मैं लुड़िया कटवाने से सुतरा धर्म ना बनता, क्लियर सी बात है, सुनो। धर्म धर्म प्राकृतिक होता है, लुड़िया कटवा के कैसी तलवा के धर्म बनता है, भाषा का मर्यादा रखे। अरे मेरे भाई तू ना मानना, तुझे किसने कहा है मानने को, ये जो तू कह रहा है ना ये सुनना तो है फर्ज थोड़ी है, सिर्फ कुछ ही मुसलमानों का। करम जले अब तो शर्म कर ले, अभी तो खुद ही ने कह दिया कि सुन्नत है, मतलब मोहम्मद की लुल्ली से भी काटा पिटी हुई थी, समझ रहे हो ना भाई। लेकिन एक मिनट, फिर तुझे किसने बताया कि कुछ मुसलमानों का, इसमें जानने वाली बात क्या है, खतना बच्चों का होता है ना कि तेरे जैसे बूढ़े सांड का। और मेरे भाई के यहाँ आपके पड़ोस में कोई हबशी मुसलमान तो नहीं रहता था, वैसे आपकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि रहता था, तो अब मैंने दो दो चार कर लिया है। आपकी माता श्री जरूर उस हबशी मुसलमान के घर जाती होंगी शिवलिंग की पूजा करने, शिवलिंग का दूध निकालने, सॉरी दूध चढ़ाने, उसी दौरान उन्होंने देख लिया होगा। और तेरी शक्ल देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तेरा पड़ोसी कोई हवसी हिंदू होगा, जिसके घर में तेरी माँ रोज उसकी इस मजार पर नमाज पढ़ने जाती थी, तो उसी अश्लील नमाज का नतीजा है। बल्कि क्या, तुझे अपनी माता श्री को समझाना चाहिए था ना, कोई बात नहीं आप समझा देना ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें यकीन ना आए तो मैं तेरे लिए और आसानी कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप में से किस किस के पास काला शिवलिंग है ताकि इस बेचारे की माता श्री आकर तसल्ली भी कर सके और उनकी पूजा भी हो जाए। ऐसे मैंने सुना है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो तेरी माँ कहाँ जाएगी नमाज पढ़ने, तो एक काम कर उसको बता दे, हम हिंदुओं के घर आकर वो हमारी इस मजार को गर्म कर सकती है, मतलब उस पर नमाज पढ़ सकती, लेकिन कुछ कंडीशंस है हमारी इस मजार को गर्म करने की। कंडीशन नंबर 1, नमाज पढ़ते समय चीखना चिल्लाना मना है। कंडीशन नंबर 2, नमाज के बीच से मजार से उठकर भागना मना है। और चाहे तो तेरी माँ मजार पर हमारे साथ कुश्ती खेलकर दूध भी पी सकती है, मजार पर चढ़ा हुआ केला भी खा सकती है। देख ले कितने फायदे हैं हिंदुओं के घर के अंदर वाली मजार पर नमाज पढ़ने के, तो तेरी मम्मी को भेजने में देरी न कर, जल्दी भेज, हमारी मजार इंतजार कर रही है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत दिनों से हमारे चैनल पर मोमिनों के कुछ घटिया सवाल और घटिया कमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके जवाब में अब हम मोमिनों की कमेंट और मेरे मुंह तोड़ जवाब सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और उस सीरीज को देखना न भूलें। धन्यवाद।